भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं, याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए, जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी, यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज, कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है, वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू, ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है बरनाल। तो बताइए आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की, कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? केशव प्रसाद महोदय पीढ़ी परिवार को फर्जी परिवार बता रहे हैं। देखो वो खुद फर्जी हैं, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। देखिए ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, सर्कस आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय एड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई एड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो, ये विज्ञापन का सामान है। क्योंकि सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेस ना करना पड़े इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने, वो ये भी ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। उनका कहना ये भी है कि गठबंधन जो है खटाई में जा चुका है और जहाज जो है डूबने वाला है गठबंधन का। देखिए आप बेहतर समझते होगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। बाय इलेक्शन में स्वरूप क्या रहेगा गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस मैदान छोड़ती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, ये शब्द का चयन गलत है आपका, ये हमारी रणनीति है, ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। सर अभी जम्मू कश्मीर से खबर आई आज फिर से वहां पे हमला हुआ जिसमें दो जवान शहीद हुए।